अभी भी इधर डिस्कस चल रहे दोस्तों चोरी का, फिर जो है उसको पुलिस ने पकड़ा दो यार, किसने चोरी किया पकड़ा दो पुलिस ने, जल्दी ये गलत है चोरी करना यार। जी दोस्तों बात कुछ ऐसा है, ट्रेन में चढ़ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, कोरपेटा रोड से थोड़ी देर पहले ट्रेन में चढ़ा, हाथ मुँह धोया, मुँह निकल आया, सुसु करना है एक नंबर, बट टीटी ने गलत किया हमारे साथ, थोड़ा सा मतलब रिश्वत मांग रहा है। हो रागी लागी तो नुआ मन जी। दोस्तों फाइनली आ चुका है बोरपेटा रोड, कुछ दिन पहले आप लोग ने मेरा वीडियो में देखा, मैं टिकट निकाला मुंबई जाने के लिए, अभी फिलहाल फाइनली मेरा 7 तारीख हो चुका है, टिकट का डेट आज है, आज ट्रेन है, तो इधर से अभी हम लोग का ट्रेन रहेगा 7:23 को, अभी 6:15 को इधर पहुँच चुका है, अभी देखता है थोड़ा टाइम ये करके, मतलब हाथ मुँह भी धो लेते हैं पूरा, ये हो गया आने का टाइम, धुल धुल जाके फ्रेश होके फिर आप लोग से मिलते हैं। चलो जी दोस्तों अभी फाइनली हाथ मुँह धो के आया और बिल्कुल मेरे सामने है बोरपेटा रोड स्टेशन, और फिलहाल मैं इधर सामने खड़ा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जाएगा अंदर, थोड़ा बाहर हवा खा लेता है, तब तक थोड़ा बाहर घूम लेता है क्योंकि टाइम है अभी भी आधा घंटा के ऊपर, एक घंटा है अभी भी, 1 घंटा टाइम है इसलिए बाहर हम लोग खड़ा है, तो जैसे 1 घंटा आधा घंटा पहले अंदर जाएगा, 7 बजे के बाद अंदर जाता है, तब तक बाहर थोड़ा चिल करता है घूम लेता है क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, अंदर भी पंखा तो है लेकिन इधर बहुत हवा आ रहा है, खुला हवा मस्त आता है, और सामने देखो क्या पतंग लग रहा है यार, और सामने है स्टेशन। चलो अभी रखी भी जो तो ने रे आगुनक मोर बता है उरुआ बामन। तो बात कुछ ऐसा है, ट्रेन में चढ़ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, कोरपेटा रोड से थोड़ी देर पहले ट्रेन में चढ़ा, हाथ मुँह धोया, मुँह निकल आया, सुसु करना है एक नंबर, बट टीटी ने गलत किया हमारे साथ, थोड़ा सा मतलब रिश्वत मांग रहा है, बोलता है तुम 1200 रुपया दो फाइन, नहीं तो तुमको ट्रेन में मतलब तुमको फाइन भरना पड़ेगा 1200 रुपया, थोड़ा सा मतलब एक मिस्टेक हुआ है, जो मेरे साथ और एक लड़का है उसका टिकट में थोड़ा सा एक गड़बड़ हुआ है, मतलब उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आधार कार्ड में थोड़ा सा कम है, 1 साल थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो उसके वजह से वो बोलते 1200 रुपये फाइन भर लो, बोलते तुमको फाइन भरने पड़ेगा, फिर बोलते 500 रुपया, सर ये बोलते नहीं हम गरीब लोग हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग 1000 रुपये लेके मुंबई जा रहे हैं, ऐसे क्या फिर भी नहीं मानते, बोलते 500 रुपये देना ही पड़ेगा तुमको, ऐसे बोल के फिर चला गया, अभी आएगा क्या पता नहीं, आएगा तो फिर देखा जाएगा, नहीं देने का सोचता हूँ, देने नहीं चाहिए, क्योंकि हम खाली बोल के क्यों दो, हमारा टिकट लिया हम तुम्हारा ये करके, तुमको गलत करके ऐसे फ़ायदा हो पाएगा तो क्या फ़ायदा है, आप लोग बताइए कमेंट करके, अगर ऐसे ये वीडियो ना गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए, ऐसे करके लोगों को ये सब करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जरूर वीडियो पहुँचाना रेलवे सरकार, ठीक है चलो अभी मिलते हैं, पसीना भी छूट रहा है, तो आगे आप लोग को सफ़र में क्या क्या देखने मिलेगा आप लोग देखना, चलिए अभी चलते हैं। जेंतुर घरे का सॉन्ग खातु रंगी राम धेनु ओहो हाँ जी दोस्तों, वो टीटी दोबारा नहीं आया था इसलिए हम भी बस गए, हम पैसा वैसा कुछ नहीं दिया उसको, अभी नींद नहीं आ रहा है दोस्तों इसलिए थोड़ा मुँह हाथ मुँह धोने के लिए, तो हाथ मुँह धो के भी हो गया, आप लोग देख सकते हैं यार आँख में क्या जलन हो रहा है, अभी चलिए सुबह मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, सुबह का 8 बज गया है, रात को सो गया था, फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा, रात तक तो नींद ही नहीं आया था इसलिए लेट भी सोया था, अभी 7:30 बजे तक सो के उठा, सो के उठ के फिर अभी हम लोग देख रहे हैं, मॉर्निंग का व्यू ज़्यादा दिखा नहीं पाया क्योंकि मॉर्निंग का व्यू जो बिहार में होता है बहुत खतरनाक होता है इसलिए दिखा नहीं पाया, अभी फिलहाल थोड़ा सा 8 बजे का व्यू देख रहा हूँ।
आगे दोस्तों कहीं जंगल में रुक दिया है, क्योंकि आगे से रुकता है दूसरा ट्रेन आने वाला है, इसलिए जंगल में रुक गया अभी फिलहाल। तो कब तक निकलता है, गर्म भी हो रहा है, बहुत गर्म होता है दोस्त यार, ऐसे ही क्या टिकट निकालना चाहिए था, जल्दी किया, किसी का टिकट निकलता तो बहुत अच्छा होता है। गलती में जल्दबाजी में जल्दी करके निकल गया, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत गर्म है। अभी देखते हैं कब तक, ऐसे धीरे 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 पूछाए गए लोग, बहुत टाइम ले रहे लोग, बहुत इतना लेट भी है। हमारा जो स्टेशन में आने वाला था बरपेटा में 7:23 कल, और 7:40 पे आया, तो समझ लो 20 लेट है। उधर भी इधर भी लेट चल रहा है लगता है, देखा नहीं, अभी देखेगा थोड़ी देर जाने के बाद। पैर क्यों पकड़ता है जी? दोस्तों आप लोग ने देखा, एक बच्चा आके सीधा पैर पकड़ लिया था, ऐसे कैसे, मतलब पैसा के लिए तुम आज के सीधा पैर पकड़ोगे, ये गलत है। इतना छोटा बच्चा फिर भी ट्रेन में, अब लोग छोटे छोटे क्या हो गया, दुनिया हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा, क्या करें। अंदर के थोड़ा हवा खाने आया, ट्रेन का अंदर बैठ बैठ के भी बहुत हालत खराब हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा हवा खाने के लिए बाहर आया। ट्रेन में बहुत बोरिंग लग रहा है दोस्तों, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है क्या है कि वो आप लोग से दिमाग के एकदम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। अभी है मेरे सामने है ट्रेन, एंड इधर मैं, मतलब ये दिन, मतलब 14 में बहुत हालत ख़राब हो गया, 50 जाना है सफ़र के लिए, 14 में ऐसे हो गया, और बाकी कैसे जाएगा, इतना गर्मी है ऊपर से, इसलिए और ज़्यादा हालत ख़राब होते जा रहा है। तो अभी दिखता है थोड़ा सा बाहर घूम के तब तक ट्रेन रुकेगा नहीं, तो फिर ट्रेन छूट गया तो फिर चौपट हो जाएगा, इसलिए जल्दी ट्रेन के पास ही जाने का, ठीक है। दोस्तों पूरा ट्रेन को नया बना दिया है, पहले कुछ ऐसा नहीं था, पहले बहुत पुराना टाइप का था, अभी अंदर भी बहुत अच्छा हो गया और पूरा कलर भी रेड बना दिया, पहले से बहुत अच्छा किया ट्रेन को। एंड आप देख सकते हैं पहले वाला जो मेरा ये है उसमें भी देखा रहेगा, उसमें भी देखिए बहुत कलर ही चेंज हो चुका है, अच्छा लग रहा है अभी का जो अंदर का भी ये अच्छा है, बाथरूम वाथरूम सब कुछ अच्छा ही बनाया, पहले से बेटर है, अंदर भी बहुत सब कुछ अच्छा ही है। तो थोड़ा इधर बैठ लेता है, अंदर बैठ बैठ के हालत पूरा ख़राब हो गया, मतलब चलने भी नहीं हो रहा है, पूरा बैठ बैठ के मतलब पैर पूरा पकड़ लिया है, इसलिए थोड़ा बाहर आके हवा खाता हूँ। अंदर बहुत गर्म होता है, बहुत पब्लिक है, इतना पब्लिक है बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा बाहर आया, अच्छा हवा आ रहा है, मस्त लग रहा है, सही 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 लग रहा है, हवा नींद भी आ रहा है, रात को सो नहीं पाया, 3 सोया, 7:30 उठा सुबह, फिर भी बीच बीच में नींद खुल जाता था, फाइनली अभी जाके शाम को थोड़ा सोएगा दोस्तों। चलो अभी मिलते हैं आप लोग से और आगे जाके। बात कुछ ऐसा है दोस्तों, आप लोग ने जो अभी देखा डीजे उजे बजा के जा रहा है बिहार में, कुछ पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं, और लोग ये लोग डीजे बजा के जा रहे हैं, क्या मजाल है यार, पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं वो भी डीजे बजा के, क्या करें, क्या औसम है यार।
हाजी दोस्तों, अभी वीडियो को एंड कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और आप लोग के साथ और एक नया वीडियो में आता हूँ यहाँ से। चलो अभी वीडियो को एंड कर देता है। जय हिंद, जय भारत।